चलिए तो बढ़ा जाए आगे और डिग्री का पार्ट टू आप सीखने जा रहे हैं। ठीक, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी डिग्री का पार्ट टू सीखने जा रहे हैं। तो डिग्री की बात चल रही है, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री हमने कल सीखा था। ठीक है, डिग्री को फॉर्म कैसे करेंगे, अब बात करेंगे यूज की। ठीक है, तो यूज की बात करें, जैसे मान लीजिएगा पॉजिटिव डिग्री की बात करें, तो पॉजिटिव डिग्री, आखिर पॉजिटिव डिग्री हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर एक पॉजिटिव की बात करें, तो पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के हम क्या करते हैं, मतलब गुड़िया दोष को बताते हैं, उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यानी पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुड़िया दोष को हम बताते हैं, उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ठीक, यानी क्या, अगर इंग्लिश में बात करें तो व्हेन वी टेल द क्वालिटी और लैक ऑफ पर्सन और थिंग, देन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री, उसी को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जब यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को या उसके दोष को बताया जाए, उसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमने कहा राजू इज अ स्ट्रांग बॉय, राजू इज अ स्ट्रांग बॉय, हमने कहा राजू इज अ स्ट्रांग बॉय, राजू जो है वो कैसा है, मजबूत लड़का है। ठीक है, ताकतवर। ठीक है, तो राजू इज अ स्ट्रांग बॉय, तो यहाँ पर जो स्ट्रांग है ये क्या है, एक डिग्री है। ठीक है, यानी डिग्री का जो इस्तेमाल करते हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुड़िया दोष को बताने के लिए, डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के हम गुड़िया दोष को बताते हैं, उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ठीक, इसके अलावा पॉइंट नंबर टू की बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा क्या, कंपेयर, कंपैरेटिव जो बना है आपका कंपेयर से बना है, कंपेयर मतलब तुलना करना। तो यहाँ पर क्या होती है, तुलना होती है, किसकी तुलना होती है, दो व्यक्ति की होगी या दो वस्तुओं के बीच में किसी गुड़िया दोष की तुलना होगी, उसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। यानी यहाँ पर क्या होगा, कंपैरिजन होगा दो चीजों के बीच में, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा, इसके अलावा जो कंपैरिजन होगा वो किसका होगा, उनके गुड़िया दोष का कंपैरिजन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर की बात करें तो हमने कहा राजू इज अ स्ट्रॉन्गर, राजू इज अ स्ट्रॉन्गर बॉय, या राजू सीधा हमने बोल दिया राजू इज स्ट्रॉन्गर, राजू इज स्ट्रॉन्गर देन, और इसके अलावा हमने कहा रामू, राजू इज स्ट्रॉन्गर देन रामू, यानी राजू जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्गर है देन रामू, यानी रामू से ज्यादा ताकतवर है कौन, राजू। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंपैरिजन किया दो चीजों के बीच में, यानी राजू इज स्ट्रॉन्गर देन रामू। और आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ डिग्री में जब एक ही उसमें आपका सिलेबल हो, एक ही सिलेबल हो तो क्या करेंगे, ईआर लगा देंगे भाई, अगर एक से ज्यादा सिलेबल है तो देन वी विल यूज मोर फॉर कंपैरेटिव डिग्री, भाई कंपैरेटिव बनाने के लिए, डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, मोर का इस्तेमाल करेंगे। जब आपका डाई सिलेबल होगा या आपका पॉली सिलेबल होगा तो उस केस में हम मोर का प्रयोग करेंगे। तो हमने कहा राजू इज स्ट्रॉन्गर देन राम, तो यहाँ पर दो की कंपैरिजन की हमने, तो इस तरीके से। और एग्जाम्पल देख रहे हैं, और देख लो हमने कहा राजू इज द बेटर ऑफ द टू, राजू इज द बेटर ऑफ द टू, याद रखिएगा जब आप किसी व्यक्ति वगैरह का वस्तु का नाम नहीं ले रहे हैं और टू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके पहले भी आर्टिकल आएगा और बेटर के पहले भी, यानी कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल आएगा, यानी राजू इज द बेटर ऑफ द टू, यानी राजू दो में से अच्छा है, यानी है अभी दो के बीच की तुलना हुई है, उन दो में से राजू अच्छा है, दो तो है लेकिन उनमें से अच्छा कौन है, राजू, यानी राजू इज द बेटर ऑफ द टू, यानी दो में से राजू अच्छा है। ठीक, इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री का हम इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम दो चीजों की या दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं, उनके गुण या दोष की तुलना आपस में, देन वी यूज व्हाट, वी यूज कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, इसके अलावा नंबर थ्री आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री,
अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री आगे क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री देखो डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब आप किसी का गुड़िया दोस्त बताओगे उसको डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव आपने बताया, पॉजिटिव डिग्री, जब ये बात आती है पॉजिटिव की तो ये ऐसा नहीं होता कि जो डिग्री है वो मतलब पॉजिटिव में बताई जाएगी, ये मतलब नहीं होता। पॉजिटिव डिग्री से मतलब है उसके गुड़िया दोस्त को मतलब सीधा सीधा बताया जाए, किसी से कंपेयर नहीं किया जाए। कंपेयर डिग्री में क्या है, दो चीज़ों से दो व्यक्तियों की उनके गुड़िया दोस्त की आपस में तुलना होती है। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री, सुपर सुपर ही होता है भाई, सुपरलेटिव में भी क्या होता है, इसमें भी कंपेरिजन होती है, बट याद रखिएगा किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुड़िया दोस्त की तुलना उसी वर्ग में मान लीजिएगा दो से ज्यादा से तुलना करेंगे हमेशा, यानी हमेशा दो से ज्यादा से तुलना करेंगे, दो से नहीं होगी तुलना, हमेशा मतलब ज्यादा से होगी। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पर हमने बोला राजू इज द बेस्ट, और याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। राजू इज द बेस्ट स्टूडेंट, राजू इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यानी जो राजू है वो क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, यानी सबसे अच्छा स्टूडेंट है राजू क्लास का। तो राजू क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मतलब सबसे अच्छा है, ठीक। तो यानी क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनसे सबसे अच्छा कौन है, राजू है। तो यानी राजू की तुलना जो है एक किसी एक से नहीं हुई है, मतलब राजू की तुलना कई सालों से हुई है, जितने भी क्लास में सबसे हुई है। तो जब एक व्यक्ति या वस्तु के गुड़िया दोस्त की तुलना किसी भी उसी वर्ग में उसी के दो से ज्यादा से तुलना की जाए, उस केस में हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। बोला यहाँ तक बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसको लिखो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जो यूट्यूब देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद या वीडियो को पढ़ लेंगे वो लिख लेंगे। चलिए तो लिख दिया, कब बोला जाए, तो आपने देखा पॉजिटिव डिग्री, कंपेयर डिग्री और कंपेयर डिग्री, कुछ इस तरीके से आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक। चलिए इसके अलावा अगर 10 प्लस 2 के एग्जाम्स की बात करें उसके हिसाब से, तो वहां पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन में जैसा बताया कि उसमें दिया है आपका इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ द कंपेरिजन, यानी आपको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब क्या है, बदलाव तो हो जाए सेंटेंस में डिग्री में बट मीनिंग वही रहना चाहिए, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव तो होगा लेकिन चीज वही रहेगी, ठीक, यानी उसका मीनिंग जो है वही रहेगा। जैसे अब ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्रयास करेंगे, अगर कैसे करेंगे, मान लीजिएगा कोई कंपेरेटिव डिग्री का मान लीजिएगा सेंटेंस है, मान लीजिएगा हम कंपेरेटिव डिग्री का हमको पॉजिटिव करना है, कंपेरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री मान लीजिएगा कंपेरेटिव डिग्री को चेंज करना है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, यानी चेंज कंपेरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर जानने का प्रयास करें, तो हमने कहा राजू इज फैटर, राजू इज फैटर देन राम, यानी राजू जो है वो किससे मोटा है, रामू से मोटा है। राजू इज फैटर देन रामू, यानी रामू से मोटा कौन है, राजू। अब मान लीजिएगा इसको चेंज करना पड़े आपका पॉजिटिव डिग्री में, तब क्या करेंगे उस केस में, आपको मैंने बताया था पॉजिटिव डिग्री में हम कंपेरिजन करते नहीं है, भाई पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपेरिजन तो हम करते नहीं है, ठीक। लेकिन बताया था तुमको सारी बातें कितनी फीसदी सच होती है, 90% सच होती है, 10% होने को कुछ भी हो सकता है, उसमें भी कंपेरिजन हम करते हैं, ठीक। वो किस तरीके से करते हैं, उस केस में जो इस्तेमाल करते हैं हम, याद रखना उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर ये होता है, अगर नॉट आ रहा है
नॉट आ रहा है तो सो आएगा प्लस यहाँ पर जो है डिग्री दिया होगा, यहाँ पर डिग्री होगा पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री होगा, ठीक है, डिग्री जो होगा वो पॉजिटिव होगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद में प्लस एज होगा। अगर यहाँ पर नॉट नहीं आ रहा है, नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है, तो फिर एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज। तो सो एज करते हैं, एक एज एज करते हैं, जब नॉट लगा होगा तो सो एज होगा और जब नॉट नहीं लगा है तो एज एज होगा। अब मान लीजिएगा राज इज फैटर देन रामू, यानी जो राजू है वो रामू से मोटा है। अब इसको चेंज करना है आपको पॉजिटिव डिग्री में, मीनिंग यही रहना चाहिए, चेंज कर दीजिए। तो किसी को आप बताओगे तो फिर इसको दूसरे शब्द में क्या कर सकते हो पॉजिटिव में, कि भाई वैसे सही बात करें ना तो रामू वैसे जो है वो इतना बुरा नहीं जितना कि राजू है, कर सकते हो ना भाई, यानी रामू जो है इतना बुरा नहीं है जितना राजू है, यानी इनका जो मतलब निकलता है इतना जितना, इन दोनों का जो मतलब निकलता है वो इतना और जितना, ठीक। हिंदी में जो मीनिंग निकलता है इसका इतना और जितना निकलता है। जैसे मान लीजिएगा इसको चेंज करना है किसमें हमको, पॉजिटिव डिग्री में, तो मान लीजिएगा हमने कहा रामू, रामू इज नॉट, यानी रामू इज नॉट सो। अब हमको देखो फैक्टर नहीं करना है, हमको पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सो आएगा और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री होगा तब एज होगा आपका। तो हमको क्या करना है, इज नॉट सो फैट, इज नॉट सो फैट एज राजू, यानी कि जो आपका रामू है वो इतना मोटा नहीं है जितना कि राजू है, ठीक। अब एक चीज बताइएगा, तो ये बात तो एक ही हो गई ना, इसका मतलब रामू इतना मोटा नहीं तो यानी रामू ज्यादा मोटा है, तो बात वही है। इस तरीके से हम चेंज करते हैं, ठीक। मैं उसको लिखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो चलो इसलिए आगे बढ़ा जाए, तो इस तरीके से मतलब कंपेरेटिव डिग्री को चेंज करेंगे किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। तो ये आपका चेंज होकर क्या है, किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है, वो क्या है, मान लीजिएगा कोई पॉजिटिव डिग्री से कहता कंपेरेटिव डिग्री में, तो इस तरीके से चेंज कर देते कोई दिक्कत नहीं थी। तो नोटिस करने वाली जो नोट करने वाली चीज है वो क्या है, याद रखना, अगर पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस अगर तुम्हारा नेगेटिव में है तो कंपेरेटिव डिग्री किसमें होगा, किसमें होगा भाई। एक चीज है, अगर पॉजिटिव डिग्री वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में है, यानी इसका सेंटेंस का टाइप तो नेगेटिव है ना, नोट आ रहा है ना, और ये इसका सेंटेंस का फिर टाइप कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। यानी इसका सेंटेंस का जो टाइप होगा वो पॉजिटिव होगा, तो यानी ये अगर नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो याद रखना ये पॉजिटिव होगा, उल्टा होता है। कभी भी याद रखना नेगेटिव नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ये याद रखना, इसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद रखना, नेगेटिव नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब जाकर के कंपेरेटिव और पॉजिटिव चेंज होगा, ठीक। समझ में आ रही है, जैसे हमने कहा एग्जांपल के तौर पर देख लो, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, देख लिया आपने, ये तो आपने देखा कि मान लीजिएगा कंपेरेटिव डिग्री आपका पॉजिटिव में है, अगर मान लीजिएगा हो नेगेटिव में, हमने कहा मनीषा इज नॉट थिनर, मनीषा इज नॉट थिनर देन मोनिका, मनीषा इज नॉट थिनर देन मोनिका, मान लीजिएगा इस तरीके से हो मनीषा, तो मनीषा इज नॉट थिनर देन मोनिका, यानी मनीषा क्या है वो क्या है, पतली नहीं है, किसकी तुलना में, मोनिका की तुलना में, ठीक है। यानी इसका मतलब नहीं है तो इसका मतलब बराबर बराबर होंगे भाई, तो बराबर बराबर होंगे तो जब इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लाएंगे किसको, मोनिका इज एज थिन। अब देखो नॉट नहीं आने की जरूरत है क्योंकि अब ये नॉट है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, तो अब एज एज का इस्तेमाल होगा, एज थिन, एज
मनीषा, यानी मोनिका इज एज थिन एज मनीषा, मोनिका भी इतनी पतली जितनी की मनीषा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये ध्यान रखना है, अगर ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, यानी कभी भी सेम सेम नहीं होगा, नेगेटिव नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होगा। अगर इतनी बात समझ आ रही तो मैं चाहता हूँ निकले जाए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, इस तरीके से बताओ आप पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री को चेंज करेंगे। तो आपने एक चीज जाना, अगर कंपेरेटिव डिग्री तुम्हारा सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव डिग्री वाला नेगेटिव में होगा, अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव में होगा तो कंपेरेटिव डिग्री वाला आपका किसमें होगा पॉजिटिव। चलिए तो इतनी बात आपने जाना, इसके आगे नेक्स्ट। अब मान लीजिएगा सेंटेंस एक ही सेंटेंस हो, उसको आपको कंपेरेटिव में भी चेंज करना है, पॉजिटिव में, सुपरलेटिव में, तीनों डिग्री में चेंज करना पड़ जाए तो क्या करेंगे? कुछ इस प्रकार करेंगे, आपस में चेंज करने की जब बात आएगी, एक एग्जांपल देख लो। मान लीजिएगा मैंने कहा, मैंने लिख दिया सुपरलेटिव डिग्री का, मैंने कहा राजू इज द बेस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट इन द क्लास। मैंने कहा राजू इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी राजू जो है वो क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये होता है कंपैरिजन होगी तो दो से ज्यादा से होगी, तो सबसे अच्छा है। तो यानी ये किसका एग्जांपल है आपका? सुपरलेटिव डिग्री का, ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसके अलावा मान लीजिएगा मुझे इसको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तब क्या करेंगे उस केस में? तब क्या करेंगे? राजू इज, अब बेस्ट का जो है आपका क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री का क्या होता है? बेटर। तो क्या करेंगे? बेटर, बेटर। अब किससे बेटर है? देन यहां पर क्या है, या तो आप एवरी कर दीजिए एवरी, या कर दीजिए एनी, दोनों राइट होगा। एवरी बोलो एनी बोलो, अदर स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट इन द क्लास, यानी जो राजू है किसी भी दूसरे स्टूडेंट से क्लास में अच्छा है, चाहे वो किसी से भी एक से कंपेरिजन आप कर लो, उससे क्या है राजू अच्छा है, ठीक। इसके अलावा ये क्या हो गया तुम्हारा, मतलब कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री। मान लीजिएगा इसको आप लेके आना चाहते हैं पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में क्या करेंगे? पॉजिटिव में क्या करना है आपको? पॉजिटिव में शुरू में ही लगा देना है नो अदर, नो अदर स्टूडेंट, नो अदर स्टूडेंट, नो अदर स्टूडेंट। इसके अलावा कहां पर? इन द क्लास, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास। अरे बाबा बताइएगा, बोले हैं नो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नो लग रहा है तो बताओ सो एज होगा कि एज एज होगा? सो एज होगा। तो नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज सो क्या गुड एज राजू। तीनों सेंटेंसों का अगर ओवरऑल मतलब देखोगे, तीनों सेंटेंसों का अगर आप ओवरऑल मीनिंग निकालेंगे तो तीनों का मतलब एक ही है, यानी राजू को सबसे मतलब अच्छा दिखाया गया, हर जगह राजू को ही अच्छा दिखाया गया है। राजू इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, राजू क्या है सबसे मतलब अच्छा स्टूडेंट है क्लास में, उसी से भी आप कंपेयर कर लो। यहाँ पर कह रहे हैं राजू इज बेटर देन, यानी किसी से एक से कंपेयर कर लो सबसे अच्छा मिलेगा। इसके अलावा नो अदर स्टूडेंट, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं क्लास में जितना की राजू है, यानी राजू बेस्ट है। तो तीनों सेंटेंस को हमने बदल दिया और तीनों का मीनिंग एक ही है, यानी ये तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री में है। बोलो कोई डाउट है तो, कोई यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक, इस तरीके से अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब देख रहे हैं उसकी शॉर्ट ले लेंगे। चलिए तो लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। तो आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया? सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या होगा?
प्लस एडजेक्टिव मतलब द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। देखिए आना कि अभी जो मुंह से निकला है ये सारे के सारे ना एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, ये सारे सारे एडजेक्टिव होते हैं जितने भी आप कर रहे हैं। बाकी मैं नाम लेकर के चल रहा हूँ, कभी आप एडजेक्टिव से कंफ्यूज हो जाए कहाँ से नया वर्ड आ गया। तो सुपरलेटिव डिग्री, इसके अलावा यहाँ पर देखो बेटर के बाद यानी क्या होगा, यहाँ पर जो होगा बेटर के बाद इसका यानी कॉन्सेप्ट याद रखना है, बेटर देन के बाद क्या होगा एनी अदर, बेटर के बाद क्या होगा देन एनी अदर, इस तरीके से। यानी इसको ये तो मान लो कहेंगे मिलेगा बस आपको क्या रखना है देन एनी अदर, ठीक है। और यहाँ पर बेटर के लिए क्या है कंपैरेटिव डिग्री कर लो, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक, कंपैरेटिव डिग्री देन एनी अदर, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा नो अदर, जब नो अदर होगा यहाँ पर खास बात क्या है नो अदर याद रखने वाली प्लस सो और उसके बाद प्लस पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और इसके अलावा क्या प्लस एज, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। इसको ऐसे ही नोटिस में आप याद कर सकते हैं, ठीक है, लिख ले सकते हैं इसको, लिखना चाहो लिख लो इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपने ऐसे ही लिख लो यानी डा प्लस सुपरलेटिव डिग्री और कंपेयर डिग्री प्लस देन एनी अदर और इसके अलावा नो अदर प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री और एज। चलिए जी, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप एक एग्जाम्पल आप खुद बनाकर दिखाइए। जैसे मान लीजिएगा पहले तो ये बताना है कि है किसमें, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नो अदर बॉय इन द विलेज, नो अदर बॉय इन द विलेज इज so brave as Raju। जरा ये बताइएगा ये कौन सी डिग्री में है, पॉजिटिव में, पहचान लिया सो एज से, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। और ब्रेव इसे भी आपने पहचान लिया होगा, ये किसमें आपका पॉजिटिव में है। मान लीजिएगा मैं चाहता हूं कि आप इसको कंप्लीट डिग्री में चेंज कर दो, कैसे चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे कंप्लीट डिग्री में, जरा बोलिए लड़ाई अपना दिमाग कैसे करोगे, बोलो। राजू इज ब्रेव देन और एनी अदर बॉय इन द विलेज, कोई दिक्कत नहीं है। वही कॉन्सेप्ट जो अभी लिखाया था मतलब आपको कीवर्ड उनको याद रखना है बस, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा। सीडी में कर दिया मैंने, सीडी बोले तो सी कंपैरेटिव बॉय डिग्री। इसके अलावा नंबर थ्री, इसको मान लीजिएगा पीडी में करना हो, सॉरी पीडी में नहीं एसडी में, सुपरलेटिव डिग्री, पीडी में तो ऊपर ही है राजू इज द, अच्छा ये आपने सही करा यहाँ पर, क्या खराब है फिर उगा कैसे पड़े जा रहे हैं, है क्या होगा ब्रेव का ब्रेवर ना होगा, ठीक भाई ब्रेव का ब्रेवर ना होगा। चलिए आगे, राजू इज द ब्रेवेस्ट, भाई एक ही तो एस में सिलेबल, एक ही सिलेबल है तो एस टी लग जाएगा काम खत्म। तो राजू इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन द विलेज, बोलो कोई दिक्कत है, मतलब कोई किसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आपका बन गया क्या एस डी सुपरलेटिव डिग्री, क्लियर है तक, जो यूट्यूब देख रहे हैं उनको भी क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछो कमेंट में, कमेंट करके जाया करो कमेंट बॉक्स में, कोई भी डाउट आता है अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंडों को वीडियो शेयर करा करो ताकि वो भी देख सके इस चीज को, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास हम यहीं ब्रेक करेंगे, इस क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, सो इट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीते रहिए।